यार RTX 3050 Ti दे रहे हैं ये कंपनी वाले आपको 70,000 के प्राइस सेगमेंट में। मुझे तो यार बिलीव ही नहीं हो रहा है, जिस प्राइस सेगमेंट में आपको RTX 3050 मिल रहा है उसी प्राइस सेगमेंट में आपको RTX 3050 Ti दे रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं अभी के अभी ये लैपटॉप ऑर्डर कर देता। इस लैपटॉप का नाम है MSI Katana GF66। अभी की बात करें तो ये आपको 73,000 के प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है, बट ऑफर्स वगैरह लगा के आप इसको 70,000 में भी ले सकते हो, जो कि इसको एकदम किलर डील बनाती है। सो आज के इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि ये लैपटॉप कैसा है और बाकी चीजें इस लैपटॉप की कैसी है। सिर्फ ग्राफिक कार्ड देख के ही लैपटॉप पूरा अच्छा नहीं हो जाता, तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना है आप सबको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना और ऑल करना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो ये लैपटॉप आपको बहुत ही स्टर्डी बिल्ड के साथ मिल जाता है। इसका वेट आपको 2.25 kg मिल जाता है, तो ये लाइट वेट लैपटॉप बन जाता है जो इसको पोर्टेबल बना देता है बहुत। और इसमें आपको रेड कलर की बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाती है जो कि इसको एक बहुत ही स्टाइलिश लुक मिल जाती है। इसमें आपको टोटली प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, बट ये लैपटॉप बहुत ही स्टर्डी और अच्छी क्वालिटी का है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको 45% NTSC कलर गैमेट मिल जाता है और 60% sRGB मिल जाती है। वही बात करें तो इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, जो आपको डे टू डे टास्क में पूरा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही में गेमर्स लोगों के लिए बेस्ट चीज होती है क्योंकि इसमें आप गेम्स वगैरह आराम से खेल सकते हो, आपको किसी भी तरह का लैग और शटर नहीं मिलता। यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि टाइगर लेक टेक्नोलॉजी पर आधारित मिल जाता है आपको। इस प्राइस सेगमेंट में ये प्रोसेसर बेस्ट है। इस प्राइस सेगमेंट में i5 11th जनरेशन के जो कुछ भी कॉम्पिटिटर्स है उनको ये कड़ी टक्कर देता है, जैसे कि राइजन 5 5600H हो गया और राइजन 7 4th जनरेशन का 4800H हो गया, इनको ये एकदम कड़ी टक्कर देता है। इन तीनों प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एकदम नेक टू नेक है। i5 11th जनरेशन में आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाते हैं, वही इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.7 GHz है और बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको 4.5 GHz तक मिल जाती है। वही गेमिंग के लिए बात करें तो ये प्रोसेसर बेस्ट है क्योंकि इंटेल में आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा मिल जाती है एज कम्पेयर टू राइजन के प्रोसेसर से, तो ये आपको ज्यादा FPS भी निकाल के देता है। सो अभी बात करेंगे ग्राफिक कार्ड के बारे में। ये लैपटॉप का मेन हाईलाइट ग्राफिक कार्ड ही है। इसमें आपको RTX 3050 Ti मिल जाते हैं, जिस प्राइस सेगमेंट में आपको दूसरे लैपटॉप RTX 3050 प्रोवाइड करते हैं उसी प्राइस सेगमेंट में आपको RTX 3050 Ti देता है MSI, जो कि एक अनबिलीवेबल बात है। ये एक लेटेस्ट जनरेशन का ग्राफिक कार्ड है जिसमें आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको माइन्यूट से लेके माइन्यूट डिटेल्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि शेडो हो गई, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आपको दिखाई देगी जो कि आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस एक लेवल अप कर देगी। इसमें आपको DLSS का भी सपोर्ट मिल जाता है, DLSS यानी हैवी गेम्स के आपको फ्रेम्स बढ़ाकर मिलेंगे इसमें। सो ये दोनों फीचर्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसमें आपको 4GB की VRAM मिल जाती है। ये लैपटॉप आपको अगले 3 से लेके 4 साल के AAA टाइटल आराम से चला लेगा लो से लेके मीडियम सेटिंग्स पे। नो डाउट आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। सो अभी बात करेंगे मेमोरी और स्टोरेज के बारे में। सो इस लैपटॉप में आपको 16GB की रैम मिल जाती है 3200 MHz वाली। यहाँ पे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस लैपटॉप में, 16GB इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है इस प्रोसेसर के साथ में। वही आपको इसमें 512GB की SSD मिल जाती है, Gen 3 NVMe SSD। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको लगभग सारे ही नए पोर्ट्स मिल जाते हैं जो एक मॉडर्न लैपटॉप में रिक्वायर्ड होते हैं। इस लैपटॉप में आपको 2 Gen 3.2 के पोर्ट मिल जाते हैं और Gen 2.0 के आपको एक पोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको HDMI का भी पोर्ट मिल जाता है, वही इसमें आपको Type-C का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 53.5 Ah की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको 3 से लेके 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड कर देगा। गेमिंग लैपटॉप में इतना बैटरी बैकअप नॉर्मल रहता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। थर्मल्स की बात करें तो यार मैंने इसके यूजर से Instagram पे कांटेक्ट किया है, तो उसने मेरे को रिव्यू बताया ये लैपटॉप गेमिंग के समय गर्म होता है,
एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गर्म नहीं होता है ये लैपटॉप। सो यूजर के रिव्यू थे कि ये लैपटॉप के थर्मल्स एवरेज है। अच्छे, अभी बात करेंगे फाइनल कंक्लूजन के बारे में, क्या लैपटॉप आपने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इस लैपटॉप के मैं आपको फायदे गिना देता हूँ। इस लैपटॉप में आपको RTX 3050 Ti मिल जाता है, इस लैपटॉप में आपको 16 GB रैम मिल जाती है, इस लैपटॉप में आपको i5 11th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एकदम तगड़े लेवल की परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। तो ये लैपटॉप वीडियो एडिटर्स और गेमर्स के लिए बेस्ट हो जाता है, और कोई भी स्टूडेंट हो तो उसके लिए कोडिंग वगैरह के लिए भी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोडिंग में एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह रहता है तो उसको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, उसको फास्ट स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसमें है। 512 GB की SSD मिल जाती है इसमें आपको, और आप आर्किटेक्चर और सिविल वगैरह के स्टूडेंट हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको 3D मॉडलिंग वगैरह भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। नो डाउट प्रोसेसर की भी जरूरत पड़ती है, बट प्रोसेसर भी एक अच्छा डिसेंट प्रोसेसर है, तो ये लैपटॉप आपके लिए वरदान होगा। आप इस पर कुछ भी काम करा लो, ये हंसी खुशी आपको सारे काम करवा के देगा। अगर इस लैपटॉप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और हाँ, एक बात सुनो, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप ये वाला वीडियो देखिए, और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप ये वाला वीडियो देखिए। तब तक मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।